Hey, what's up guys? Once again, welcome back to my channel. Here's another blog. And आज का सीन जानने से पहले भाई व्यू चेक करो जहाँ मैं रह रहा हूँ नोएडा के अंदर. तो यहाँ पे ये पूरी बिल्डिंग्स है, इस साइड ग्राउंड, इस साइड बिल्डिंग एंड इस साइड पीछे जाके गांव है और उधर जाके बिल्डिंग है. तो बहुत ही अमेजिंग प्लेस है जहाँ अभी मैं स्टे कर रहा हूँ. तो रात को 11 बजे मैं यहाँ आके कभी कभी बैठ जाता हूँ, तो पूरे में बिल्डिंग्स में लाइट वगैरह जलती रहती है और मस्त हवा चल रही होती है. तो आज का सीन कुछ ऐसा है कि आज है ईद और हम जा रहे हैं भाई राइड पे, मतलब मैं और आप, हम लोग जा रहे हैं राइड पे नोएडा के अंदर. तो यहाँ पे पूरा सन्नाटा है, ऐसा क्राउड दिख नहीं रहा है ईद वाला, क्योंकि मैं बाहर भी गया था दूध वगैरह लेने, तो वहाँ पे कुछ मेरे को ऐसा दिखा नहीं जैसा दिल्ली का माहौल होता है. बट स्टिल हम एक राइड पे जाएंगे और वहीं से निकल जाएंगे अपने ऑफिस. तो राइड पे चलते हैं, नीचे बाइक खड़ी हुई है. और भाई चेक करो जहाँ मैं रह रहा हूँ यार, ये बहुत ही मतलब भूतिया टाइप का महल, मतलब महल कह रहा हूँ यार, घर है. तो ऐसी फीलिंग्स आती है रात को तो यहाँ पे, बट स्टिल क्या करें, यही एक ऑप्शन है अपने पास अभी. और नीचे चेक करो बाइक खड़ी हुई है, तो नीचे जाते हैं और बाइक स्टार्ट करते हैं और सीधा चलते हैं राइड पे. तो भाई ये खड़ी है अपनी बाइक और पूरी यहाँ पे देख रहे हो गंदी होकर रखी हुई है, क्योंकि कल रात को थोड़ा बारिश का माहौल बन गया था. और ये पूरा देख रहे हो डस्ट डस्ट चिपकी हुई है, तो फटाफट से इसको साफ़ कर लेते हैं एक बारी. यहाँ खड़ी होती है यार अपनी बाइक ऐसे, मतलब खुले में, मेरे को रात को डर भी लगता है क्योंकि नई जगह है मेरे लिए, तो थोड़ा सा दिक्कत का चांस लगता है कि कोई नुकसान ना पहुँचा दे इसको. और सच बोले तो यार मम्मी को ज़्यादा टेंशन होती है मेरी बाइक की, वो मेरे को मतलब अक्सर कॉल पर ये चीज़ बोलती रहती हैं कि बाइक सही से खड़ी करी हो, वहाँ लीक तो गया है, थोड़ा सा मतलब ध्यान रखियो. तो ये मतलब मम्मी ने ज़्यादा टेंशन डाल दिया दिमाग में मेरे. बाकी मेरे को ऐसा कुछ लगता नहीं था, बट मम्मी ने थोड़ा सा बोल बोल के मेरे को डरा दिया है. एक बार साफ़ कर लेते हैं फिर निकलते हैं यार. ओके ऑलराइट, तो भाई निकल लिए हैं अपनी ईद वाली राइड के लिए. तो ये सोलो ही होती है क्योंकि अपनी जॉब टाइमिंग्स ऐसी हैं यार कि वहाँ पे बड़ी दिक्कतें हैं, ना सुबह का पता ना शाम का पता लग रहा. एंड यार ये रही वो बिल्डिंग्स, और मेरा यार सपना है कि इनसे निकल के ऐसी बिल्डिंग्स में पहुँचने का. तो भाई आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो बिल्कुल निकलेंगे और यहाँ पहुँचेंगे सीधा. तो ये नज़ारा मेरे को सबसे बेस्ट लगता है भाई, यहाँ पे चेक करो. आज थोड़ा सा क्राउड कम लग रहा है, मतलब कि डेली के मुकाबले मेरे को ऐसा पता नहीं क्यों फील हो रहा है. वैसे तो यहाँ पे परमानेंटली ऐसे ही पड़ा रहता है, ये देख रहे हो बस इतना ही, ऐसी दुकानें हैं. बाकी मार्केट के लिए इस वाली बिल्डिंग की मार्केट पे जाना पड़ता है. अपन जाएंगे लेफ्ट साइड और थोड़ी राइट साइड, एंड खाली रोड ही मिलने वाले हैं वैसे तो मेरे को पता है. बट ऐसा हो सकता है कि कहीं जगह जहाँ पे मतलब मैं जा रहा हूँ जिस साइड, तो काफ़ी जगह पे हो सकता है कि भाई कुछ बढ़िया देखने को मिल जाए, कंटेंट मिल जाए कुछ अच्छा सा. ईद का माहौल है और यार दिल्ली में होते ना तो अपने पास कोई ना कोई दोस्त वगैरह ऐसे जो सेवैया वगैरह के लिए बुला लेता वैसे तो. बट यार यहाँ अपनी इतनी मतलब कि जान पहचान है नहीं है, दोस्त बनाने पड़ेंगे, तो शायद ईद का इन्विटेशन आ जाए हमें कहीं से. बट आज की ईद तो ऐसे ही बनने वाली है इस साल की. आज जगह जगह पुलिस वाले खड़े हैं भाई, पीछे भी मैंने देखे थे, ये देखो ट्रैफिक पुलिस फुल एकदम ऑन में है इस टाइम. भाई यूपी के अंदर थोड़ा सा सही है इस टाइम माहौल, थोड़ा प्रशासन भाई एकदम ऐसे हो रखा है, एकदम बोलते हैं ना उसको एक्टिव, तो एक्टिव हो रखे हैं इस टाइम यूपी के अंदर. गर्मी में जब भी वैसे फाउंटेन वगैरह देखता हूँ ना तो मन करता है यार उसके नीचे जाके बैठ जाओ बस. और यार गर्मियों के अंदर सनलाइट में ना मोटो ब्लॉगिंग आसान नहीं है, गाड़ी के अंदर तो बैठ के मस्त चिल मारते हुए चले जाओ एसी के अंदर. बट वही अगर बात आ जाती है ना मोटो ब्लॉगिंग की, भाई आपका शरीर तन मन एकदम धड़कने लगता है, धड़कने बोले तो हॉट हो जाता है, हीट हो जाता है. अरे भाई चला सामने चला, अरे चला लो उस्ताद. तो ये भाई मिले यहाँ पे, देखो आ जाओ बढ़िया भाई. रेस लगा दी, रेस हाँ मिस्टर दिवाकर. ये देखो भाई पहले चला लो मेरे भाई, क्यों ना हेलमेट है ना कुछ भाई, क्या मतलब एक तो तीन बंदे हो ऊपर से तुम रेस लगा रहे हो, उस बच्चे का ख्याल करो भाई, बीच में जो बैठा है क्या है ये. उसका माहौल ऐसा लग रहा है जैसे वो या अच्छा मैं समझ गया, वो मेरा इंस्टाग्राम और वो लोगों देख रहा है किस नाम से है. ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा क्राउड देखने को मिला यार आज की राइड पे. और यहाँ का सीन होगा भाई, गाँव का बखड़ा भाई, क्या मतलब होगी भाई पुलिस वाला, क्या हो गया भैया. क्या हो गया
अरे टक्कर लगी है, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, मतलब नॉर्मल टक्कर लगी है। पीछे से उस बंदे ने गाड़ी रोकी होगी और पीछे से वो टक्कर लग गई है, तो उसने पुलिस पुलिस बुला लिया। मतलब यार क्या छोटी छोटी चीज़ों के लिए पुलिस वगैरह को मतलब बुलाना, यार रोड पे चल रहे हो सट आउट कर लो खुद से। और यार रोड पे गाड़ी रहनी है तो टच तो होनी होनी है, अगर आपको चाहिए भाई फुल प्रोटेक्शन तो घर में रखो ना उस गाड़ी को यार। तो मेरे ये चीज़ समझ में नहीं आती है कि यार क्यों, मतलब ठीक है आपने चार पहिए की ले लिया, फिर कोई महंगी गाड़ी लेके चल रहे हो रोड पे, तो आप किसी नीचे वाले बंदे को दबाओगे, तो ये चीज़ गलत है यार, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। आपको देखा होगा मेरी बाइक के फ्रंट पे एक डेंट लगा हुआ है, काफ़ी मेजर सा डेंट है, पेंट उतर गया। और वो पेंट पता है कब उतरा था, जब मैं दूसरे तीसरे दिन बाइक लेके आया था, तीसरे दिन पेट्रोल फिल कराने गया था उसमें, तभी भाई उसमें डेंट लग गया था हैवी वाला, और वो लगा था किसी जोमेटो राइडर से। तो यार मैंने उस बंदे से चू तक नहीं बोला, क्यों, क्योंकि मेरे को पता है यार कि गाड़ी रोड पर रहेगी तो मतलब यार लगनी तो है ही है ना, आप उसको बचा के नहीं रख सकते ना, तो वाला सीन है, तो गलत है यार। यार ऑफिस के पास पहुंच गए तो सामने ही ऑफिस, तो अभी जाएंगे अंदर और इवनिंग में मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी रोड पे इतना कुछ देखने को मिला नहीं है बढ़िया सा, बट शाम को शायद कुछ मिल जाए, क्योंकि शाम का जो क्राउड होगा ना वो अलग ही होगा। तो मॉल जाने का प्लान भी है और देखते हैं कहीं और चले गए तो लेट्स सी, एंड अभी अंदर चलते हैं और शाम को मिलते हैं। भाई देर हो गया ऑफिस से छुट्टी होते होते, मेरे को लगा था कि भाई टाइम पे पहुंच जाऊंगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं है, और टाइम पे पहुंच जाता वैनिस जाते और शायद मेरे को जो स्टॉल वाला था उन दोनों में से एक जगह, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। रूम पे आया लेट हो गया था, 9:30 बज गए इस टाइम, तो मैं बाहर आ गया भाई खाने यहाँ पे, चेक करो भाई। तो अभी मैंने जो ऑर्डर किया है तवा चाप किया है और एक दो तीन रोटी खाऊंगा, फिर उसके बाद चला जाऊंगा। मतलब जैसा थिंक किया था कि यार आज ईद है जल्दी छुट्टी हो जाएगी, वैसा कुछ मतलब प्लान नहीं हो पाया। खैर कोई नहीं, वैनिस जिस दिन छुट्टी होगी उस दिन जाएंगे, आज यहीं पे खाना खाते हैं, पहले खाना खाते हैं फिर यहाँ पे रूम पे जाऊँगा। सो ऑलराइट गाइस, खाना पीना हो गया है, जो खाना था मस्त था, चलिए आज बनाना नहीं पड़ेगा, और ना तो यार रूम पे जाके थोड़ी सी सरदर्दी करनी पड़ती है, तो आज रूममेट्स भी नहीं है तो वो चले गए घर ईद की और उनकी छुट्टी हो गई। अब बस चाह रहा हूँ थोड़ा सा ऐसा गेड़ी मार के और एक जगह थोड़ी सी आइसक्रीम खाऊँगा, मन कर रहा है, मतलब यार काफ़ी टाइम से खाया नहीं, और भोजन तो अच्छा ही था, मतलब खाना अच्छा था। तो अभी यहाँ से हमने आइसक्रीम ली वाली इंडियन डेयरी की, ये भी यहाँ पे, मैं अपने यहाँ पे जो खाता हूँ वो देख रहा था, पर भैया ने मना कर दिया कि यहाँ पे नहीं है, अभी लॉन्च हुआ है ये वाला प्रोडक्ट, तो ये खा लेते हैं एक बार, देखते हैं टेस्ट कैसा है, सही होगा ना टेस्ट? हाँ, टेस्ट सही है सर। भाई आए थे यहाँ पे खाने सिंगल, एक कॉर्न खाने आए थे और खा लिए दो, तो यहाँ पे एक कप लिया था, ये कप बड़ा टेस्टी लग रहा है भाई, इंडियन डेयरी का ये मैंगो फ्लेवर है, बड़ा अमेजिंग लगा, इसके अंदर जैली वैली थी। तो कॉर्न भी खा लिया है, ये भी खा लिया है, बाइक ही खड़ी है, अब चल रहे हैं रूम पर। वो फ्लेवर बड़ा टेस्टी था वो कप, तो अभी वापस रूम पे जा रहे हैं, थोड़ी देर आराम करेंगे, और आज थोड़ा फ्रेशनेस लगा, पूरा दिन बहुत ही मतलब स्वीट सा गया है, कि सुबह सही माइंड सेट करके उठा, फिर थोड़ी राइड करी, देन उसके बाद इवनिंग में सोच रहा था कि आज बाहर निकलूँ, अभी इसको 20-22 दिन हो गए यहाँ पे नोएडा के अंदर, तो मैं ज़्यादा बाहर निकला नहीं, तो आज निकला नाइट में, तो देखा मेरे को सजेस्ट किया था मेरे रूममेट ने कि भाई अल्फा टू की मार्केट जाना खाने पीने के लिए, सही मिल जाएगा वहाँ पे, तो वहाँ आया था। वैसे तो वैनिस वगैरह का प्लान था, वो हो नहीं पाया, क्योंकि मेरे को लगा था यार कि जल्दी छुट्टी हो जाएगी, बट हो ही नहीं ऐसे जल्दी छुट्टी, खैर कोई नहीं, बट इवनिंग काफ़ी अभी अच्छी रही मेरे लिए। अभी रूम पे जाके बस कुछ नहीं करना, खाना पीना सब डन है, सोना है, और बाकी यार ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिए वीडियो को, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, और अगली बार कहीं बढ़िया जगह जाएंगे, तब तक के लिए बाय बाय।